सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन गुरु चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियोस अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन गुरु चैनल में। आज हमने बायोलॉजी का एक टॉपिक लिया है, रक्त। चलिए शुरू करते हैं। और तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें अपने फेसबुक पेज पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। रक्त, रक्त एक तरल संयोजक ऊतक है। इसमें प्लाज्मा 60% होता है और कणिकाएं 40%, यानी कि प्लाज्मा 60% और कणिकाएं 40%। सबसे पहले प्लाज्मा की बात करेंगे। प्लाज्मा का रंग पीला होता है। इसमें 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन और 3% खनिज लवण। अब आते हैं कणिकाओं पर। कणिकाएं 40% होती हैं। आरबीसी इसके अंतर्गत आता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये इसके अंतर्गत आती हैं। और अब जानते हैं प्लाज्मा के मुख्य कार्य। प्लाज्मा क्या करता है? सबसे पहले प्लाज्मा अंगों तक हार्मोन्स का परिवहन करता है और रक्त का पीएच मान स्थिर रखता है। शरीर में 60-70% पानी होता है और युवा अवस्था में 75% पानी होता है। यानी कि शरीर में 60-70% होता है पानी, और जब युवा अवस्था होती है तो उसमें 75% होता है। अब बात कणिकाओं में आते हैं। सबसे पहले आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी की खोज स्वामटर डैम के द्वारा की गई थी। इसका रासायनिक नाम इंथ्रोसाइट। रक्त का पीएच मान 7.4 क्षारीय होता है। आरबीसी की संख्या 4.5 से 5.5 घन सेंटीमीटर होती है। इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में एक प्रोटीन ग्लोबिन 96% और एक रजक हीम 4% पाया जाता है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन 12.5 से 17.5 ग्राम प्रति 100 घन सेंटीमीटर, महिलाओं में 11.5 से 15.5 ग्राम प्रति 100 घन सेंटीमीटर होता है। बीमारी की अवस्था में या चोट लग जाने पर खून की कमी को प्लीहा द्वारा पूरा किया जाता है। जब चोट लग जाती है हमारे शरीर में कहीं और खून बह जाता है, खून निकल जाता है, तो उस खून को पूर्ति करने के लिए, उस खून को पूरा करने के लिए प्लीहा एक तरह से बैकअप का काम करता है। जब हमारे शरीर में रक्त की मात्रा पूरी हो जाती है तो कुछ रक्त प्लीहा में इकट्ठा हो जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कवर स्थान भी कहा जाता है, मतलब कवर स्थान कहा जाता है आरबीसी को, प्लीहा का। गर्भस्थ शिशु में आरबीसी का निर्माण या यकृत और प्लीहा में होता है और जन्म लेने के बाद अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल 90 से 120 दिन का होता है तथा आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना होता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है और इंसान का शरीर लाल पड़ने लगता है। इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। एग्जाम्पल है उसका, पर्वत पर चढ़ते समय पर्वतारोही का मुंह लाल हो जाता है, या जब भी हम कोई कठिन कार्य करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। और मलेरिया रोग जो होता है, मलेरिया रोग आरबीसी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। यह रोग मादा एनाफ्लीज के काटने से होता है। मलेरिया को दूर करने की दवाई कुनेन, जो कि छाल से प्राप्त होती है, कुनेन एक पेड़ होता है, उसकी छाल से ये प्राप्त होती है। रक्त का स्वभाव रुकते ही जमने का होता है। रक्त जब रुक जाएगा तो वो तुरंत जमने लगेगा। जैसे आपका खून निकलता है बाहर तब भी जमने लगता है, मतलब जब भी खून रुक जाएगा उसका जमना स्टार्ट हो जाएगा। लोहे के बर्तन में शराब नहीं पीनी चाहिए, इससे लोह बहता रोग होता है। लोहे के बर्तन में शराब पीने से लोह बहता रोग हो जाता है। अब फ्रेंड्स आते हैं डब्ल्यूबीसी। हमने आरबीसी किया, आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी करेंगे। डब्ल्यूबीसी होता है वाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी की खोज ग्रेविल ने की थी। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल
4 से 7 दिन का होता है। यह रोजाना प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। WBC में एंटीबॉडी पाए जाते हैं जो शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणु और विषाणुओं को रोकते हैं। अब आते हैं प्लेटलेट्स। इसकी खोज विलियम ऑस्लर के द्वारा की गई थी। प्लेटलेट्स की संख्या शरीर में 2.5 लाख से 4.5 लाख तक प्रति घन मीटर। प्लेटलेट्स का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाना होता है। रक्त के जमने में कैल्शियम तत्व शामिल होते हैं। प्लेटलेट्स में फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स को डेंगू रोग द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित किया जाता है। जो प्लेटलेट्स कम होंगी सबसे ज़्यादा, वो डेंगू के बुखार हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा आपको, तो सबसे ज़्यादा उसमें प्रभावित होती हैं प्लेट्स। अब कुछ मुख्य टॉपिक्स देख लेते हैं, कुछ मुख्य जानकारियाँ, कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। नंबर एक, ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा बुक में या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मोबाइल में, बाद में भी देख लें आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, खून हमारे शरीर के वजन का 7% होता है। खून जो होता है वो हमारे शरीर के 7% होता है, शरीर के वजन का 7% होता है। मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त का pH मान 7.4 क्षारीय होता है। सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है, 120 से 80 होता है। सामान्य रक्तचाप 120 से 80 होता है। रक्तचाप को मापने के लिए रक्तोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है और ब्लड के अध्ययन को हीमाटोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करें आपको कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए प्लीज़, और शेयर कर दें आप इसको, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। जो नए फ्रेंड्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ पे मिलती रहेंगी। और भी वीडियोज़ पे वर्क चल रहा है तो आपको बहुत जल्दी जल्दी इस पे GS और इतिहास और आपको हर सब्जेक्ट की वीडियोज़ इस पे अवेलेबल होंगी। थैंक यू।